हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठंडी के दिनों में भारतीयों के घरों में अक्सर अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं, है ना। तो आज मैं बना रही थी फलीदाना और गुड़ के लड्डू और साथ ही साथ तिल और गुड़ के लड्डू। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ा लिया है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। तो मैंने तिल यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम, आधा केजी तिल मैंने यहाँ लिया है। और अभी हमें धीमी आंच पर इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। ध्यान रखना है, आंच धीमी रखना है और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। और तिल को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और तिल मतलब उड़ने लग ना लग जाए। जब तिल भूनते हैं ना, तो तिल भूनने में आ जाती है तब वो छटकने लगती है और वो फूल भी जाती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ये देखिए, मेरे तिल जो है यहाँ पर भूनकर रेडी हो गए हैं और अभी मैं इसे परात में निकाल लेती हूँ। जितना मैंने तिल लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। तो मैंने 500 ग्राम तिल लिया था तो 500 ग्राम ही गुड़ ले लिया है और गुड़ को मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिए हैं। अभी मैं मिक्सी के पॉट में थोड़ा थोड़ा बैच कर पीस लूँगी और फिर उसके लड्डू बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तिल को हल्का दरदरा पीस लिया है और अभी मैं उसमें गुड़ ऐड करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हल्का दरदरा पीस लिया है। अभी मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी और दोनों को साथ में फिर से एक बार मिक्सी को बंद चालू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लड्डू का मिश्रण है रेडी हो गया है। अभी हम तुरंत इसके लड्डू बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके। तो हमें यही करना है, जब हम एक एक बैच में हमें मिश्रण को पीसना है और तुरंत ही हमें लड्डू जो है वो बना लेना है। तो आप चाहे तो तिल और गुड़ को एक साथ में मिक्स कर भी पीस सकते हैं। तो पर होगा क्या उसमें, अगर आप दोनों को एक साथ में पीसोगे तो तिल जो है वो हल्का दरदरा रहेगा उसमें। तो ऐसा करे तो चलेगा, जैसे पहले मैंने तिल को पीस लिया और उसके बाद मैंने उसमें गुड़ मिलाकर फिर से पीस लिया, तो उससे ये होगा कि तिल पूरी तरह से अच्छे से बारीक हो जाएगी। तो ये देखिए, अभी हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसके लड्डू जो है वो बना लेना है। बस ये ध्यान रखना है, तिल और गुड़ के लड्डू कोई भी, जैसे फलीदाना और गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू जो भी बना रहे हैं, तब मिश्रण जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तिल है तो हमें एक एक बैच में पीसना है और तुरंत ही हमें लड्डू बनाते जाना है। ऐसे करेंगे तो हमारा जो मिश्रण है वो ड्राई नहीं होगा और फटाफट हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे लड्डू जो है वो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ फलीदाने के लड्डू। तो फलीदाने के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम फलीदाना ले लिया है और अभी मैं इसे सेम उसी तरह से जैसे कि तिल्ली को भूनना है धीमी आंच पर, इसी तरह से हमें इसे भूनना है और इसे जब तक इसका जो छिलके है सेपरेट ना होने लग जाए और हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। ध्यान रखना है फलीदाने को जलाना नहीं है, नहीं तो लड्डू का टेस्ट जो है वो कड़वा आने लगेगा। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर फलीदाना जो है वो भून कर रेडी हो गया है। अभी हम इसके छिलके जो है वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने घर का कोई इस तरह से एक छोटा सा थैला या फिर कोई कपड़ा वगैरह ले लीजिए, उसमें बांध कर आप उसे इस तरह से पिटाई कीजिए ताकि उसके प्रेशर की वजह से इसके जो छिलके है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने इसे साफ कर लिया है। तो जितना मैंने यहाँ पर फलीदाना लिया है उतना ही गुड़ भी ले लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो मैंने 200 ग्राम फलीदाना लिया है तो 200 ग्राम ही गुड़ ले लिया है और गुड़ को मैं छोटे छोटे साइज में अच्छे से कट कर लूँगी। और अभी मैं दोनों को मिक्सी के पॉट में डालकर अच्छे से पीस लूँगी, मिक्सी को बंद चालू करते हुए, है ना। तो वो हुआ ये, मैंने ना जो रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो वो थोड़ा सा ना हट गया है तो मैंने ये पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ इसमें, पर मैं मुँह से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर वही करना है जैसे तिल्ली के लड्डू बनाए हैं, वैसे ही हमें पीस लेना है और फिर लड्डू बनाते जाना है। तो यहाँ पर हमारे फली दाने के लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।